तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा 2020 का सेट पहला है उसका लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 रासायनिक विज्ञान खंड खा के अंदर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को पूरा कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी के अंदर आता है, विस्तृत उत्तरी के अंदर, इसलिए इसकी एक अलग से ही वीडियो पूरी प्रोवाइड की जा रही है आपको। तो अगला क्वेश्चन है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एथेनोइक अम्ल के तीन रासायनिक गुण लिखने हैं, यानी तीन रासायनिक समीकरण लिखनी है, साथ ही साथ जो है एक उपयोग लिखना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एथेनोइक अम्ल नाम होता किसका है। तो एथेनोइक अम्ल, ओइक अम्ल का मतलब होता है C=OH और एथ का मतलब होता है दो कार्बन। तो दो कार्बन वाला कोई अम्ल बताइए, तो दो कार्बन वाला ओइक अम्ल होता है एसिटिक अम्ल। तो कहने का मतलब है यहां पर एथेनोइक अम्ल जो है इनडायरेक्ट पूछ लिया गया है। तो अगर एथेनोइक अम्ल कहता है तो हम लोग समझेंगे कि एसिटिक अम्ल के बारे में पूछ रहा है। तो इसके हमें तीन रासायनिक समीकरण लिखनी है, साथ ही साथ एक उपयोग भी लिखना है। तो पहला रासायनिक समीकरण लिखेंगे PCl5 के साथ क्रिया, PCl5 के साथ क्रिया। और आप सभी को पता होगा PCl5, PCl3 और SOCl2 के काम तीनों के एक समान होते हैं। PCl5 का काम होता है OH की जगह पर Cl लाना, POCl3 बनाना, और साथ ही साथ जो है HCl बनाने का कार्य करता है। तो ये काम होता था हमारा किसका भाई, PCl5 का। तो चलिए PCl5 में लिखते हैं CH3C=OH, इसकी रिएक्शन करा दी है ये भाई PCl5। अब लैंग्वेज आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना है कि जब एसिटिक अम्ल की PCl5 से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। देखिए कैसे, अब PCl5 का काम है OH की जगह पर, जो ये आपको OH दिख रहा है इसकी जगह पर क्या ले आता है Cl, तो CH3COCl बन जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर ये POCl3 में बदल जाता है और साथ में एक HCl निकल जाता है। तीन और एक चार, एक पांच क्लोरीन इधर है, पांच क्लोरीन इधर है, तो रिएक्शन भी हमारी क्या है, बैलेंस है। तो एक रासायनिक समीकरण हो गई। दूसरी रासायनिक समीकरण क्या लिखते हैं, सोडियम से क्रिया। अगर ये अम्ल है तो क्षार धातुओं से क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो हमने दूसरी रिएक्शन डाल ली सोडियम से क्रिया, तो लिखा CH3C=OH प्लस में Na। Na एक प्रकार की क्षार धातु है, क्षार धातु है तो यहाँ पर CH3C=O- होगा, यहाँ पर H+ होगा। Na पर हमेशा प्लस होता है तो प्लस वाला किससे जुड़ता है, जाके माइनस के साथ। तो यहाँ पर हमारा CH3 है, दोनों पर चार्ज है बराबर, इसलिए हमने जोड़ करके लिख दिया। तो हमारा हो गया CH3COONa और यहाँ पर H बचा है, H निकल जाएगा हाइड्रोजन के फॉर्म में H2। जब बैलेंस करेंगे तो दो हाइड्रोजन इधर हो गए, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है तो दो से गुणा करा देंगे। इस चक्कर में क्या हो गया, CH3CO भी कितने हो गए, दो हो गए, इसलिए इधर भी दो से गुणा करा देंगे। और इस चक्कर में सोडियम भी दो हो गए, इसलिए सोडियम को भी कितने से गुणा करा देंगे, दो से। तो सोडियम से क्रिया कराते हैं तो सोडियम एसिटेट बनता है। क्या बनता है भाई, सोडियम एसिटेट। अगले रिएक्शन देखते हैं, एसिटिक अम्ल की क्रिया जो है अगर हम लोग करा दें Na2CO3, Na2CO3 से क्रिया, Na2CO3 का मतलब होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है भैया, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करा दें तो देखते क्या होता है, CH3COOH प्लस में Na2CO3। और आप सभी को पता होगा Na के ऊपर प्लस, CO3 के ऊपर माइनस, H के ऊपर प्लस और CO के ऊपर माइनस। और हमेशा जब कभी भी क्रिया होती है तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट करके एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर है Na प्लस का, इन दोनों में CH3CO माइनस है यहाँ पर माइनस का, तो Na जुड़ेगा किसके साथ, माइनस के साथ। और दोनों पर यहाँ पर भी CH3CO पर माइनस एक है, Na पर भी प्लस एक है। तो जब कोई आवेश बराबर होते हैं तो सीधे साल्ट बनाते समय, लवण बनाते समय इन दोनों को जोड़कर लिख दिया जाता है, CH3COONa हमने जोड़ करके क्या कर दिया, लिख दिया। तो ये हो गया हमारा CH3COONa। जबकि यहाँ पर H+ बचा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा H+ के रूप में है, साथ ही साथ CO3 जो होता है CO3 पर माइनस का 2 होता है। जब कभी भी दोनों के आवेश जो है, आवेश क्या हो जाए,
कम ज्यादा हो जाए, यानी आवेश बराबर ना हो। जैसे यहाँ पर प्लस का एक है, यहाँ पर माइनस का दो है, तो तिरछी गुणा कराते हैं नीचे की तरफ, यानी दो यहाँ पर है तो दो की गुणा करा देंगे हाइड्रोजन के नीचे, तो H2 हो जाएगा। फिर CO3 की गुणा एक है यहाँ पर, एक से कराएंगे तो CO3 एक आएगा, और एक को लिखिए चाहे ना लिखिए, तो ये बन गया हमारा H2CO3। और H2CO3 का नाम होता है कार्बोनिक अम्ल, और कार्बोनिक अम्ल जो होता है बहुत ही दुर्बल होता है, ये तुरंत टूट जाता है H2O+ में CO2 में। इसमें टूट जाता है भैया H2O+ में CO2, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा H2O+ में CO2 क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लिया जाए, दो सोडियम है यहाँ, यहाँ पर एक ही सोडियम है तो दो से गुणा, CH3CO2 हो गए, यहाँ पर एक ही है तो दो से गुणा, दो हाइड्रोजन है एक CO3 है, एक CO3 है, तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। और तीनों के तीनों जो हमारी रासायनिक समीकरण थे, ये हमने तीनों के तीनों रासायनिक समीकरण क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है। अब हमें जो है इसमें कह रहा है आपको जो है एक यूज भी बता देना है, क्या करना है आपको, एक यूज भी बता देना है इसी का। तो चलिए अब एक यूज भी देख लेते हैं, एसिटिक अम्ल का यूज क्या होता है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना उपयोग, यूज का मतलब क्या होता है, उपयोग। तो एक उपयोग पूछ रहा है, हम एक नहीं दो उपयोग लिख लेंगे ताकि आपको याद रहे। सबसे पहला उपयोग होता है जो हमारे पिकल्स होते हैं, पिकल्स का मतलब होता है जो अचार होते हैं। अचार के अंदर देखा होगा आपने बहुत सारा जो है, कभी कभी घर में जो है सिरका, जो एसिटिक अम्ल होता है इसको हम लोग कॉमन देसी भाषा में सिरका बोलते हैं। तो अचारों को सड़ने से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, सिरका का प्रयोग करते हैं, यानी प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं हमारे वो सिरका का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अचारों की सुरक्षा के लिए, या कहेंगे अचारों को सड़ने से बचाने के लिए, अचारों में प्रिजर्वेटिव्स के रूप में, प्रिजर्वेटिव के रूप में, अगर आपने कभी अचार खरीदा हो रेडीमेड वाला, तो उसके पीछे लिखा रहता है बेंजोइक अम्ल प्लस एसिटिक अम्ल, यानी ये दो चीजें ऐसी हैं जो अचार को क्या करती हैं, सड़ने से बचाती हैं और अधिक समय तक क्या करती हैं, उपयोग में ला रखती हैं उसको। अगला होता है हमारा, एक होती है हमारी संश्लेषित रबर, एक होती है प्राकृतिक रबर और एक होती है हमारी संश्लेषित रबर, और संश्लेषित रबर होती है हमारी जैसे रेयान। तो रेयान के निर्माण में भी किसका प्रयोग किया जाता है, एसिटिक अम्ल। तो संश्लेषित रबर रेयान के बनाने में हम लोग क्या करते हैं, एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, अचारों में प्रिजर्वेटिव्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। और बहुत सारे यूजेज है एसिटिक अम्ल का, हम लोग प्रयोग कभी कभी जो है एंटा एसिड के रूप में, यानी एसिडिटी को कम करने के लिए भी प्रयोग कर लिया जाता है। और बहुत सारे काम है एसिटिक अम्ल का, भोजन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक यूज लिख सकते हैं सोडियम एसिटेट या एसिटिल क्लोराइड को बनाने के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, और लिख सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जा सकता है। तो यूज जो है आपको हमने इम्पोर्टेंट लिखा दिए, ये यूज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो दोनों यूज आपको याद कर लेने हैं। ये हमारा क्वेश्चन 8 वाला पूरी तरीके से हो गया कंप्लीट। अब इसके अथवा में हमारे जो है क्वेश्चन लगे हुए हैं, उन अथवा वाले क्वेश्चन को क्या करना है, हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो चलिए साथ ही साथ अब हम लोग क्या करते हैं, आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अपना उतार लेंगे, फिर हम लोग इसके अथवा वाले क्वेश्चन क्या कर लिए जाए, कंप्लीट कर लिए जाए। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरीके से हो गया कंप्लीट। चलिए आपने लिख लिया होगा, अगला क्वेश्चन चलते हैं इसका अथवा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसका अथवा, इसमें तीन चीजें पूछ रहा है। सबसे पहले कह रहा है आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसको हमें उदाहरण देकर समझाना है, साथ ही साथ सजातीय श्रेणी की परिभाषा लिखना है, और साथ ही साथ एल्डिहाइड कीटोन और जो हमारे
कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसके आईयूपीएसी नाम लिखने की विधि को भी बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो कोई भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया उठाकर हम लोग एग्जाम्पल देके उसका परिभाषा लिख देंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो हम लोग एल्कोहल का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ले ले रहे हैं क्योंकि वो सभी को पता होता है। तो लिखते हैं जब हम लोग एल्कोहल का ऑक्सीकरण, जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसे कहा जाता है K2Cr2O7 के साथ कराते हैं तो एल्डिहाइड व अम्ल क्रमशः प्राप्त होते हैं। ये है हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए कैसे, अब C2H5 ले लिए हमने, OH एक एल्कोहल है, इसका हमने भैया करा दिया ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का मतलब होता है नवजात ऑक्सीजन को जोड़ना। किसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण, कौन है हमारा, अम्ली पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और अम्ली कह रहा है तो कोई भी अम्ल जोड़ देंगे H2SO4। तो क्या होता है, एल्डिहाइड एक ऑक्सीजन को लेकर बदल जाता है एल्डिहाइड में, सॉरी जो एल्कोहल है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है हमारा एल्डिहाइड में। तो दो कार्बन का हमारा एल्कोहल है तो दो कार्बन का एल्डिहाइड भी बनेगा। तो दो कार्बन का एल्डिहाइड होता है हमारा CH3CHO, यही होता है हमारा दो कार्बन का एल्डिहाइड। अब यहाँ पर हम लोग बैलेंस कर लेंगे, एक ऑक्सीजन उधर है, तीन और एक चार हाइड्रोजन है उधर, यहाँ पर पांच और एक छह हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन की कमी है तो यहाँ पर H2 जोड़ दिया, साथ ही साथ एक ऑक्सीजन भी इधर एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर हमारा क्या निकल जाएगा H2O। अगर हमारे पास जो एसिटाइल्डिहाइड बना है CH3CHO इसका हम लोग फिर से ऑक्सीकरण करा दें इसी की उपस्थिति में, तो होगा क्या, यहाँ पर जो एसिटाइल्डिहाइड है ये बदल जाएगा CH3COOH में, यानी एसिटिक अम्ल में। तो दो कार्बन इधर, दो कार्बन उधर, दो ऑक्सीजन है, तीन और एक चार हाइड्रोजन, तीन और एक चार हाइड्रोजन, रिएक्शन भी क्या हमारी बैलेंस। तो ये है हमारा एथिल एल्कोहल, ये है हमारा एसिटाइल्डिहाइड और ये है हमारा एसिटिक अम्ल। तो ये हो गई हमारी पूरी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एक पार्ट हमारा क्या हो चुका है कंप्लीट। अगला पार्ट हम लोगों को करना है सजातीय श्रेणी के बारे में। तो कोई भी एक सजातीय श्रेणी उठा करके हम एग्जाम्पल दे देंगे उसका। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा सजातीय श्रेणी। अगला है हमारा सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी को बोलते हैं हम लोग सजातीय श्रेणी। अब आपने एल्केन की या किसी भी ग्रुप की सजातीय श्रेणी पढ़ी होगी, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर एल्केन की ले रहे हैं। तो एल्केन का जो जो हमारा सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, यानी यहाँ पर आप n का मान रखते जाइए और n का मान कहाँ से स्टार्ट होगा, एक से दो तीन चार, इसी तरह जब आप जाएंगे तो हमें जो है एल्केन श्रेणी के क्रमशः क्रमवार सभी सदस्य क्या हो जाएंगे पता। जैसे देख तो रखते हैं हम लोग, जैसे एक मान रखेंगे तो C1H2+2, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा CH4। अब हम लोग अगर दो रखें, एन की जगह पर दो रख दें यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा C2H6। अगर तीन रख दें तो C3H8। अगर अबकी बार फोर रख दें C4H10। तो बताइए ये इस तरीके से एक दो तीन चार पांच, इस तरीके से बताइए एक श्रेणी बन जाएगी। और ये सभी क्या है भाई, एल्केन है, और एल्केन का मतलब ये सभी जितने सदस्य हैं सब एक ही जाति के हैं, पांच और बारह सब एक ही जाति के हैं। तो बताइए जब समान जाति के हो गए तो इसी प्रकार श्रेणी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, सजातीय श्रेणी। क्या कहेंगे भाई, सजातीय श्रेणी। ऐसी अब सजातीय श्रेणी क्या होती है, और देखिए सब में जब एक से दूसरे में जाएंगे, दूसरे से तीसरे, यानी किन्हीं के बीच में जाएंगे तो देखिए कितने का अंतर आ रहा है।
यहां पर एक कार्बन, यहां पर दो, तो एक कार्बन का अंतर, यहां पर चार कार्बन, यहां पर छह, दो कार्बन, यहां पर CH2 का अंतर, यहां पर दो है, यहां पर तीन, एक कार्बन का अंतर, यहां पर छह, यहां पर आठ, यहां पर दो कार्बन, हाइड्रोजन का अंतर। तो इसी तरह हर एक के बीच में CH2 का अंतर है, तो ऐसी ही श्रेणी क्या कहलाती है हमारी, सजातीय श्रेणी। यानी जब किसी भी परिवार के या किसी भी परिवार के सदस्य को उसके सामान्य सूत्र की मदद से एक ही साथ सभी क्रमवार सदस्यों को निरूपित करते हैं तो हमें एक ही जात की या समान जात की श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी। उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है एल्केन, एल्केन की लिखा हुआ है, और सजातीय श्रेणियों में कितने का अंतर होता है भाई, CH2 का अंतर होता है, यही हो गई हमारी क्या, सजातीय श्रेणी। और आपकी कॉपी में लैंग्वेज पूरी लिखी होगी, वहां से आपको लैंग्वेज लिख लेना है। तो ये पूरी हमारी कंप्लीट हो गई क्या, सजातीय श्रेणी। अगली हमारी हेडिंग को समझाना है, यानी जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का हमें IUPAC नाम और कीटोन का और कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम लिखकर हमको जो है लिखते समय जो है जो भी लिखना होता है उसको हमें समझाना होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सब आपकी कॉपी में लैंग्वेज के रूप में लिखा हुआ है, यहां पर समझाने का मतलब था। चलिए आगे हमें एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, सबसे पहले क्रियात्मक समूह बताइए एल्डिहाइड का, CHO। इसका क्रियात्मक समूह होता है C(OH), इसका होता है COOH। तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO होता है, कीटोन का क्रियात्मक समूह CO होता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का C(OH) होता है। IUPAC लिखते समय जोड़ते क्या है, तो इसमें जोड़ते हैं हम लोग अल, इसमें जोड़ते हैं ओन, इसमें जोड़ते हैं ओइक अम्ल, क्या जोड़ते हैं भैया, ओइक अम्ल जोड़ते हैं। तो इसमें जोड़ेंगे अल, ओन और ओइक अम्ल। अब एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे, जैसे यहां पर हमें HCHO का लिखना है हमें IUPAC नेम, तो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे कितने कार्बन का है, तो एक कार्बन है, एक कार्बन के क्या लिए क्या लिखते हैं हम लोग, मेथ, और साथ ही साथ CHO के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, अल, तो हो गया। अब इसको जोड़ करके लिख दीजिए, जब मेथ और अल जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा भैया, मेथेनल। इसी तरह इसका एग्जाम्पल देखिए, CH3COCH3, CH3COCH3, तो ये हमारा हो गया एक प्रकार का एक कीटोन हो गया। अब कीटोन में हमें लिखना है क्या, इसका IUPAC नाम, तो सबसे पहले हम लोग गिनेंगे इसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या गिनने के बाद बताएंगे भाई क्या इसके अंदर लिख दिया है। देखो कार्बन की संख्या गिनोगे तो 1, 2, 3, और तीन कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, प्रोप, और साथ ही साथ कीटोन CO ग्रुप आ रहा है, और CO को हम लोग क्या लिखते हैं, ओन, तो ओन जोड़ देंगे। तो बताइए यहां पर जब जोड़कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। अब इसका देखिए भाई, जैसे यहां पर लिखा हुआ है CH3COOH, कितने कार्बन है, दो कार्बन, दो कार्बन को कहते हैं एथ, अब प्लस में इसको क्या कहते हैं, ओइक अम्ल, तो हमने लिख दिया ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, जोड़ करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। तो ये आपको लिखा है, लैंग्वेज आपकी कॉपी में लिखिए। अच्छा लैंग्वेज एक बार क्लिप बोल दे रहे हैं कैसे लिखना है, पहले हेडिंग डालना है एल्डिहाइड, फिर लिखना है एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO होता है, एल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखते समय संगत एल्केन में अल जोड़ देते हैं, बस इतनी बात लिखनी है, और फिर एक उदाहरण लिख देना है उसके नीचे। फिर इसी तरह कीटोन, कीटोन का क्रियात्मक समूह C(OH) होता है, इसका IUPAC नाम लिखते समय संगत एल्केन में ओन जोड़ देते हैं, एक उदाहरण दे देना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका क्रियात्मक समूह CHO होता है,
आईयूपीएसी नाम लिखते समय संगत एलकेएन के अंदर वो एक अम्ल जोड़ दिया जाता है और फिर ये लिख देंगे हमारा पूरा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा पूरी की पूरे सेट नंबर एक जो है पूरे से कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियो के अंदर हम लोग 2020 के जो अगले के सेट है यानी सेट नंबर दो है उसको भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए फिलहाल आज के लिए इतने रखा जाता है, हमारा हो गया कंप्लीट पूरा सेट।